नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 इस बार भाजपा के लिए काफी बुरा रहा। वहीं बागमारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वर्तमान विधायक दुल्लू महतो ने इस बार जीतकर हैट्रिक लगाई है। जीतने के बाद जब उन्हें प्रमाण पत्र मिला तो उन्होंने अपने शिष्टाचार का परिचय देते हुए सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े भाई का पैर छुआ, साथ ही उपस्थित लोगों बड़े लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। इस जीत की खुशी में बागमारा के व्यवसायी समाजसेवी मुरारी कृष्ण मुरारी चौधरी एवं कांग्रेस नेता उमा चंदन महतो ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। इस जीत का श्रेय दुल्लू महतो ने झारखंड की जनता को दिया और जनता का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि जनता ने जो प्यार हम पे लुटाया है उसके एवज में हम काम करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं अरे ऊपर बागमारा विधानसभा क्षेत्र के तमाम रूपी मतदाताओं को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से फिर से हमें बागमारा विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने को मुझे मौका दिया। और इसका सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता तो बागमारा का जनता, तमाम जनता का जाता है, मेरे बड़े भाई सत्य धन महतो जी को जाता है। हार का अंतराल बहुत कम से हुआ है, हो सके कहीं ना कहीं हमारा चूक होने के कारण इतने कम अंतराल से हम जीते हैं। अब इसका समीक्षा हम जरूर करेंगे और जहाँ पे चूक हुआ उसको हम जरूर उसका भरपाई करने का प्रयास करेंगे। और जनता का मन में अगर किसी प्रकार का 10 वर्षों के दरमियान अगर किसी प्रकार का ठेस पहुँचा उसको भी हम क्षमा चाहते हुए फिर से चाहेंगे उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार किसी प्रकार मिलता रहे और क्षेत्र में काम करने का उनका आशीर्वाद से क्षमता और हमें प्रदान दे, शक्ति दे। क्षेत्र के जनता की ओर से हम क्षेत्र में सेवा करने का भाव से सेवा कार्य हम किए हैं और आने वाला समय में भी सेवा के भावना से हम काम करेंगे। हैट्रिक लगाने के बाद में क्या कुछ रहेगा इस बार का, अगली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, प्राथमिकता खास करके हम कहेंगे जो बागमारा विधानसभा क्षेत्र में आज इतने कम अंतराल से जीत हुआ है इसके लिए तो कहीं ना कहीं चूक हुआ, इसी का परिणाम है कि आज दो दो बार हम ज़्यादा अंतराल से जीते और इस बार कम अंतराल से जीतने के कारण कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनता के मन में किसी प्रकार का हमारे प्रति अगर दुख है तो उसको दुख को दूर करने का प्रयास हम करेंगे। भाजपा पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई, जो नारा था 65। देखिए, जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और हम कह सकते हैं कि जनता का जनादेश सर्वोपरि सभी को मानना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने भारतीय जनता पार्टी के हार का स्वयं हार का स्वीकार किया है। पार्टी नहीं हारी है, व्यक्ति हुए हारा है। विकास की बात करें तो विकास क्या ऐसा छूटा है जो इस बार आप जो है पूरा करेंगे? जो भी समस्या, जो जन समस्या बागमारा विधानसभा क्षेत्र से हमारे पास आएगा उस समस्या को निदान करने का हम प्रयास करेंगे। और ऐसे कई समस्या चुनाव के दरमियान भ्रमण करने के दरमियान हमें प्राप्त हुआ है, उस समस्या को एक एक समस्या को निदान करने का प्रयास करेंगे। बहुत कम वोट से जीते, क्या लगता है कि राम जी जिताए हैं? निश्चित तौर पर राम रूपी हमारे क्षेत्र के जनता हैं और उनके आशीर्वाद से हम चुनाव जीते हैं। और कहीं न कहीं हम तो बोले कि 10 वर्षों के दरमियान कहीं न कहीं हमारे कार्यशैली के प्रति लोगों को ठेस पहुँचा होगा, इसी के परिणाम है। तो उस मन में जो दुख है उस दुख को दूर करने का हम जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है।